हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो एक बार देख लेते हैं सेंचुरी प्लाई का चार्ट पैटर्न इस समय पे क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक जो है अपने बुल ट्रेंड के अंदर अवेलेबल है। और यहाँ पे एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि 2021 में किस लेवल पे जो है स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे जो है पोजीशन अब इसके अंदर कैसी बनती हुई दिख रही है। तो बहुत ही सॉलिड जो है इस समय पे पोजीशन पे स्टॉक अवेलेबल है। और जो MDF वाला जो इनका सेगमेंट है वो वैसे ही बहुत ही अच्छा खासा जो है काम करता हुआ दिख भी रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो जिस तरीके से ये जो पोजीशन बन रही है, जुलाई वाली कैंडल जिस तरीके से जो है बहुत तेज़ी से एक अपसाइड दिखा रही है। आप सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि 2021 में जो लो था उसके आसपास भी नहीं भटका ये स्टॉक। मतलब हालांकि 2021 का लो आप देखेंगे तो 200 रुपये के ऊपर जो स्टॉक ट्रेड कर रहा था, करीब 225 या 250 रुपये के आसपास और इसका लो है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है करीब 600 रुपये के आसपास जो है इस समय पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको सबसे पहले फिबोनाची लगा के दिखाऊं तो स्टॉक जो है अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर ही जो है ये अवेलेबल है। तो ये एक बार पहले फिबोनाची लगा के देख लेते हैं। तो फिबोनाची लगा के अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो है स्टॉक आपको बुलिश ट्रेंड के अंदर दिखेगा। मतलब जो इसकी जो 50% की जो रेजिस्टेंस थी उसके नीचे जो है स्टॉक गया ही नहीं। तो बहुत ही सॉलिड जो है पोजिशन पर स्टॉक अवेलेबल है। और यहाँ पे एक चीज़ और आप देखें कि स्टॉक के अंदर जो फॉल जो देखने को मिला है वो कितना मिला है, एक बार ये भी जो है नोटिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक जो है गिरता हुआ दिखा है 475 रुपये तक। मतलब 100 रुपये तो ऑलरेडी वहाँ से जंप स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुका है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है और भी एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी है इसकी। अर्निंग्स में धीरे धीरे करके सुधार हो ही रहा है। सेंचुरी प्लाई बहुत ही सॉलिड स्टॉक, या अगर बात करें ग्रीन प्लाई सेंचुरी प्लाई, ये दो ही जो है वुडन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो है नामी ग्रामी जो है कंपनीज हैं। और MDF जो बिजनेस है इनके, MDF वाला जो सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छा खासा जो है काम कर ही रहा है। तो उन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है यहाँ से बिल्कुल पकड़ने लायक है, कैंडिडेट बनता है ये बिल्कुल जो है बाइंग का। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि कहाँ पे जो है ये सपोर्ट लेता हुआ दिखे, मतलब नीचे जो इसका स्टॉप लॉस है वो क्या जो है काम करेगा। तो यहाँ पे ना एक तो क्या है कि अभी एक स्टॉप लॉस तो एक ये आपका जो है काम कर सकता है जो बिल्कुल इसके जो है नियर बाई है, 638.2% की रेजिस्टेंस के आसपास का जो प्राइस है, एक तो वो स्टॉप लॉस का काम करेगा जो करीब आता है आपका 530 रुपये का। तो 530 रुपये का एक तो स्टॉप लॉस इसके लिए बेहतर काम करता हुआ दिखेगा। और अगर आपको थोड़ा और एक डीप स्टॉप लॉस लेके चलना है वो स्टॉप लॉस काम करेगा करीब 475 रुपये का। 530 और 475 वाले स्टॉप लॉस के साथ में बिल्कुल जो है इस स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। जिस तरीके से ये वाली जो पोजीशन बन रही है इस बार और जुलाई वाली कैंडल की जो पोजीशन जो बन रही है उसको देखते हुए तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल ही रहा है कि स्टॉक जो है यहाँ से तेजी से निकलने के लिए रेडी हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये अभी तक की जो कैंडल है जो ग्रीन, इसने कम्प्लीटली जो है रेड कैंडल को जो है ढक दिया है। तो यहाँ से अभी और भी तेजी बनने के चांसेस है, बिल्कुल जो है ये बाइंग का कैंडिडेट बनता है। तो नीचे एक अपना 530 और 475 का, अगर आपको डीप स्टॉप लॉस लगाना तो 475 का स्टॉप लॉस लगा के रखो, इसको जो है बाई किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।